ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी हम इंस्टॉलेशन देखेंगे ओरेकल की विंडोज के ऊपर। अच्छा, विंडोज के लिए ओरेकल का सॉफ्टवेयर अलग से है, लिनक्स के लिए अलग से है, यूनिक्स के लिए अलग से। तो जिस पर्टिकुलर ओएस के लिए आपने करना है उसका सॉफ्टवेयर अलग से आपको लेना पड़ेगा। तो विंडोज में उसकी 1 GB मिनिमम मेमोरी होनी चाहिए और अराउंड 10 GB हार्ड डिस्क हो तो ठीक है। 1 GB से ज्यादा ही मेमोरी अगर हो तो बेहतर है, क्योंकि ओरेकल अच्छी खासी मेमोरी आपको पाई करेगी, सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। तो सेटअप चलाएंगे, सिंपल इंस्टॉलेशन है विंडोज में, तो कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई प्री रेक्विजिट्स भी नहीं है इसके खास। ठीक है, सिंपली आप ओरेकल का सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट करें तो सेटअप चलाएं और ये आपके पास पहली वेलकम स्क्रीन आएगी। इसमें वो पूछा जी कि ईमेल एड्रेस दें और ओरेकल की सपोर्ट का पासवर्ड दें। तो अगर आपने ओरेकल की सपोर्ट परचेज की है, वैसे अगर आपने कमर्शियली ओरेकल यूज करनी हो तो ये परचेज करनी पड़ती है, उसका लाइसेंस है अराउंड कोई $50,000 या $60,000 के। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं तो हम इसको सिंपली नेक्स्ट करेंगे। वो पूछा जी कि मैं आगे जाने दूं, आस्क। ठीक है जी, यस। इसमें फिर आपके पास ऑप्शन आएगा जी क्रिएट एंड कन्फिगर डेटाबेस या इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली। सॉफ्टवेयर ओनली अगर आप करेंगे तो सिर्फ ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, डेटाबेस आपको बाद में खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आप क्रिएट एंड कन्फिगर डेटाबेस करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर देगा और डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। लेट्स से हम पहले वाला ऑप्शन करते हैं नेक्स्ट। वो पूछा जी जो मशीन आपके पास है जिसपे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो किस क्लास की मशीन है। तो हमारे पास एक डेस्कटॉप क्लास की मशीन है, हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर ये आपसे पूछा जी यहाँ पे ये ऑप्शन है, नहीं ये नॉर्मल मशीन है ना। अगर आपके पास कोई सर्वर होता तो आपके हाई एंड सर्वर होता तो आप सर्वर क्लास करते, उसके लिए वो अलग से फिर कॉन्फ़िगरेशन करता। ठीक है, अच्छा, ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर जिस लोकेशन पे इंस्टॉल होता है ना, जिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, उसको ओरेकल होम कहते हैं, ये याद रखना आपने। ठीक है, देयर इज अ टर्म जो आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एक टर्म यूज होती है ओरेकल अंडरस्कोर होम। ये पहले ओरेकल बेस से स्टार्ट करते हैं, एक टर्म यूज होती है ओरेकल अंडरस्कोर बेस। वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जहां जिसके अंडर आपका ओरेकल का होम एग्जिस्ट करता है वो ओरेकल बेस कहलाता है। यूजली जो ओरेकल बेस होता है वो होता है जी, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टॉलेशन करनी है सी के ऊपर, सी में ओरेकल एक फोल्डर बना लेगा एपीपी के नाम से, उसमें आप जिस यूजर से लॉगिन है उस यूजर के नाम से फोल्डर बना लेगा। लेट्स से मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूं तो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से फोल्डर बना लेगा। ये आपका ओरेकल बेस कहलाएगा। इस ओरेकल बेस के अंदर अंडर फिर आपका एक ओरेकल होम होगा, ओरेकल होम वो डायरेक्टरी है जहां पे एक्चुअली ओरेकल का सारा सॉफ्टवेयर जाके इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे वो ओरेकल बेस के अंडर होगा जी, सी में एपीपी, एपीपी में एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एग्जांपल, यहां तक तो ओरेकल बेस है ऑलरेडी। इसके अंडर लेट से वो कोई फोल्डर बना लेगा, जैसे हमारे केस में वो फोल्डर बना रहा है प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद 11.2.0 यानी कि आपकी कौन से रिलीज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उसमें डीबी होम 1 या 2 या 3 जो भी मर्जी जिस मर्जी नाम से। ठीक है, तो ये आपका ओरेकल होम है, यहाँ ये वाला पाथ होगा जहां पे एक्चुअली ओरेकल का सारा जाके सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद ये डेटाबेस का नाम आपसे पूछ रहा है, डेटाबेस का नाम आप जो मर्जी रख लें। लेट से मैं यहाँ पे रख देता हूँ ORCL बाय डिफॉल्ट होगा, आप डिफॉल्ट ही जाने दीजिएगा। मैं इसको लेट से MyDB कर लेता हूँ, ORDB कर लेता हूँ, ProDB, कुछ मैक्सिमम 8 करेक्टर लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप कोई नाम उसको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देन ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, इसमें मोस्ट पावरफुल यूजर क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर। जैसे विंडोज में मोस्ट पावरफुल यूजर कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरीके से ओरेकल के डेटाबेस में मोस्ट पावरफुल यूजर होता है सिस, और उससे थोड़ी सी लेस पावरफुल यूजर होता है सिस्टम। तो सिस और सिस्टम के ये पासवर्ड आपसे, ये जो पासवर्ड आपसे मांग रहा है ये सिस और सिस्टम यूजर के पासवर्ड होंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ओरेकल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ओरेकल होम आपको समझ आ गया ना, ओरेकल होम वो लोकेशन जहां पे एक्चुअली ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो ये 2-3 चीजें इसमें देखने वाली हैं। एक ओरेकल बेस जो है ना, उस बेस के अंडर और वो लॉग के फोल्डर पर जाके जाएंगे, लॉग फाइल जाके पड़ी होंगी। ठीक है, एक ओरेकल बेस के अंडर बहुत सारे ओरेकल होम हो सकते हैं। लेट्स से एक ही मशीन के ऊपर अगर आपने ओरेकल 9.9 इंस्टॉल करना है, 10 GB इंस्टॉल करना है, तो आप उनका बेस बेशक सेम रख लें, लेकिन उनका होम डिफरेंट होना चाहिए।
दोनों दोनों का होम डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आगे इसके बाद, नेक्स्ट नेक्स्ट ही। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है ये ओरेकल में, सिस पासवर्ड। हाँ जी, ये सिस का पासवर्ड, सिस और सिस्टम का पासवर्ड, ठीक है। वो पूछे जी पासवर्ड आपके वो सिक्योरिटी कंप्लाई नहीं करता, सिंपली आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास समरी शीट आ जाएगी, आप इसको फिनिश कर देंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जस्ट आपको दो तीन कंसेप्ट थे वो आपने देख लिया, बाकी इंस्टॉलेशन में कोई ऐसा इशू नहीं होगा, क्योंकि इस मशीन के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक आपको स्क्रीन दिखाना चाह रहा था कि ताकि आपको चीजें पता हो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, मैं इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा। वंस इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाए 15 से 20 मिनट लेगी इंस्टॉलेशन। जब ये हो जाए तो आपके पास स्टार्ट प्रोग्राम्स और ये आपके पास ओरेकल ORDB 11G जो भी आपने जिस नाम से होम बनाया होगा वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये टूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे ओरेकल के। इसी तरीके से अगर आप विंडोज की सर्विसेज में जाएंगे, रन में जाके services.msc लिखें या कंट्रोल पैनल में जाके सर्विसेज में चले जाएं आप, तो वहां पे ओरेकल की सर्विसेज कुछ क्रिएट हो जाएंगी, services.msc। ओरेकल के नाम से बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट हो जाएंगी, जैसे यहां पे देखें ओरेकल डीबी कंसोल है, ओरेकल स्केजुलर है, एमटीएस है, ओरेकल होम एजेंट है, टीएनएस लिस्नर है, ओरेकल रैम एक्सक्लूसिव सर्विस है और डेटाबेस। जैसे आपकी सबसे ये एक सर्विस होगी जिसका नाम होगा ओरेकल सर्विस और आगे कोई नाम आ रहा होगा, तो ये आपकी डेटाबेस के नाम से सर्विस होगी, ये आपकी डेटाबेस की सर्विस है, ठीक है। मेरे केस में ये स्टॉप्ड है, आपके केस में स्टार्टेड होगी, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। आप इनको सर्विसेज को बाय डिफॉल्ट ये सर्विसेज ऑटो होंगी, आप इनको मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑटो का मतलब ये है कि जैसे मशीन रीस्टार्ट होगी ना तो ये सर्विसेज खुद से स्टार्ट हो जाएंगी। विंडोज में सर्विसेज का कंसेप्ट है, इसका आइडिया है ना आपको। अच्छा, यूजली क्या किया जाता है कि अगर आपकी एक आप जैसे अपनी मशीन के ऊपर करेंगे तो वो मशीन स्टार्टअप पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओरेकल स्टार्टअप होती है तो बहुत सारी मेमोरी आपको पाई करती है। तो यूजली हम क्या कर लेते हैं, इन सर्विसेज को मैनुअल कर लेते हैं, डबल क्लिक करें और इस पर इनको मैनुअल कर दें, सारी ओरेकल की जितनी सर्विसेज सारी मैनुअल कर दें। और वंस आपकी मशीन स्टार्ट हो जाए, स्टेबल हो जाए और आपने ओरेकल पे काम करना हो तो आप सर्विसेज में आए और दो सर्विसेज स्टार्ट कर लें, एक ये लिसनर के नाम से सर्विस होगी ओरेकल DB 11G Home 1, आगे सबसे आखिर में TNS लिसनर लिखा हुआ होगा। तो एक ये सर्विस आपने स्टार्ट कर लेनी है और एक सर्विस आपने ओरेकल सर्विस और आगे आपकी डेटाबेस के नाम से सर्विस होगी। मेरे केस में डेटाबेस का नाम ORCL है, एक ये सर्विस आपने स्टार्ट कर लेनी है, लिसनर और आपकी ओरेकल सर्विस और आगे आपकी डेटाबेस का नाम। जैसे मेरे केस में डेटाबेस का नाम ORCL है तो ORCL के नाम से सर्विस होगी। ये दो सर्विसेज आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, तब आप ओरेकल पे लॉगिन हो सकेंगे और काम कर सकेंगे, ठीक है। ओरेकल सर्विस और आगे आपकी डेटाबेस का नाम होगा, जो भी आप डेटाबेस का नाम रखेंगे। मैंने अपनी डेटाबेस का नाम इंस्टॉलेशन करते वक्त ORCL रखा हुआ था, उसने ओरेकल सर्विस ORCL कर दिया सर्विस का नाम। अगर आप MyDB रखेंगे तो ओरेकल सर्विस MyDB होगा, अगर आप TestDB करेंगे तो ओरेकल सर्विस TestDB होगा। तो ये दो सर्विसेज आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है जी। वंस ये सर्विसेज वैसे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इनको मैनुअल कर दिया और फिर आप मशीन स्टार्ट की तो फिर आप इनको खुद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आप ये टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होंगे, इसमें जाएं आप ओरेकल प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ओरेकल होम में, इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये आपके पास है जी SQL+, इस पर आप ओपन करेंगे। यहां पे आप पहली दफा कनेक्ट होंगे सिस्टम, और जो इंस्टॉलेशन के वक्त आपने जो पासवर्ड दिया था वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड दो दफा उसने मांगा था ना वो पासवर्ड आप, मैंने मेरे केस में मैंने ओरेकल दिया हुआ था, सिस्टम ओरेकल से लॉगिन हो जाएंगे आप, ठीक है। यहां पे फिर आपके पास एक सैंपल यूजर बना दिया गया है HR के नाम से, आपने उसका पासवर्ड चेंज कर लेना है। आप करेंगे alter user HR identified by HR account unlock by default HR के नाम से एक सैंपल यूजर बना होता है आपके पास आपकी डेटाबेस में, उसका पासवर्ड HR होता है लेकिन उसका अकाउंट लॉक हुआ होता है, तो आपने उसके अकाउंट को अनलॉक कर लेना है ताकि आप उसे लॉगिन होकर काम कर सके, ठीक है। तो ये एक सैंपल यूजर है, इसमें सैंपल टेबल्स हैं, सैंपल डेटा पड़ा हुआ है ताकि आप लोग उसके ऊपर
प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी। सर ये हम दुनिया से क्यों हैंडल करते हैं? जी दुनिया से हैंडल और सिस्टम भी हमारे पास क्यों ज्यादा है? हाँ जी। और आगे का और अगर भी एचआर भी है। एचआर तो एक नॉर्मल यूजर है, सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर है। जी सर, तो मेरा जो आप एचआर मैनेजर में वो सिस्टम नहीं कर सकते? नहीं, वो उसमें वो टेबल्स नहीं है ना, वो एचआर में ही टेबल्स, हर यूजर के अपने टेबल्स होते हैं। ये सिर्फ कंट्रोलिंग। हाँ, एचआर यूजर जो है ना मैनेजमेंट के लिए, और एचआर नहीं, वो जो सिस्टम यूजर है वो मैनेज करने के लिए, उन्हें यूजर क्रिएट कर सकता है, एग्जिस्टिंग यूजर्स के पासवर्ड चेंज कर सकता है, उनका अकाउंट लॉक अनलॉक कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है। नहीं नहीं, आप अलग से अपना यूजर क्रिएट कर लेंगे ना, उसमें अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे, ये आगे चल के देखेंगे हम। तो अभी आपने इतना ध्यान में रखना है कि आपने एचआर का एक यूजर बना हुआ है, उसका आपने अकाउंट अनलॉक कर लेना है, और ये स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्या उसका अकाउंट कैसे अनलॉक होगा। वंस ये हो जाए, ये वन टाइम एक्टिविटी है। ठीक है। अब जब भी आप कनेक्ट होंगे, लेट से आपने एसक्यूएल प्लस इन्वोक करना है, जब भी आप आएंगे मशीन स्टार्ट करेंगे, ओरेकल की सर्विस स्टार्ट करेंगे, आप एसक्यूएल प्लस जाके प्रोग्राम फाइल्स में से जाके इन्वोक कर लें, या रन में जाके लिखें जी एसक्यूएल प्लस, तो तब भी एसक्यूएल प्लस इन्वोक हो जाएगा। ठीक है। यूजर नेम दें और उसका पासवर्ड दें, तो आपने हमेशा एचआर से लॉगिन होना है। ठीक है। यूजर नेम एचआर है और पासवर्ड भी एचआर है उसका। तो इसको चेंज कर सकते हैं यूजर नेम तो चेंज नहीं हो सकता है, पासवर्ड जो मर्जी रख लें। हाँ, मैंने वो अभी जो स्टेटमेंट नहीं दी, अल्टर यूजर, यूजर का नाम आइडेंटिफाइड बाय के बाद आप पासवर्ड देते हैं, तो मैंने दोनों जगह एचआर दिया, तो वो इसका मतलब है आइडेंटिफाइड बाय के बाद आप जो देंगे वो एक्चुअली पासवर्ड है। ठीक है। ठीक है। आप लॉग इन हो गए, सिंपली एसक्यूएल प्लस लिख के एंटर करें, एचआर देख के एंटर करेंगे, वो पासवर्ड मांग लेगा, या आप ये भी कर सकते हैं एचआर स्लैश एचआर कर देंगे, यानी कि यूजर नेम आपने दिया स्लैश करके उसका पासवर्ड दे दिया आपने। ठीक है। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड विजिबल ना हो यूजर्स को, तो जो आप किसी के सामने पासवर्ड देना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूजली ऐसा ही होता है। ठीक है। आप पासवर्ड ऐसे नहीं देते, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली जब लॉग इन होंगे एचआर लिख के यूजर नेम और एंटर करेंगे तो पासवर्ड मांग लेगा, पासवर्ड एंटर करेंगे वो पासवर्ड विजिबल नहीं करेंगे। ठीक है जी। वैसे एचआर बैक स्लैश एचआर या फॉरवर्ड स्लैश? क्लियर है जी। आपका जो डाटा ओरेकल में स्टोर हुआ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे। ठीक है। और उन टेबल्स के कॉलम्स होंगे, हर कॉलम का एक नाम होता है, हर लेट्स एक टेबल है जी एम के नाम से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, हर कॉलम का कोई नाम होगा, फॉर एग्जांपल एक कॉलम आईडी का है, एक कॉलम नेम का है, एक कॉलम एड्रेस का है, फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं ना। ठीक है। तो इस तरीके से हर टेबल का एक नाम होगा, उसके लिस्ट ऑफ कॉलम्स होंगे, उसमें डाटा पड़ा होगा, रोज होंगी उसमें। ठीक है। तो दिस इज अ कॉलम, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, और ये तीनों कॉलम्स मिलके एक रो बनाते हैं। लेट से एक एम्प्लॉय है, उसकी आईडी वन है, उसका नाम अली है, उसका एड्रेस जो भी है, तो वो पूरी एक रो बनती है, उसको टप्पल भी कहते हैं या रो भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके टेबल्स हो सकते हैं एक यूजर के अंडर। लेट से आपके पास एचआर यूजर है, वो लॉग इन हुआ, तो वो बहुत सारे टेबल्स क्रिएट कर सकता है, हर टेबल का कोई नाम देगा, उसमें डाटा पॉपुलेट करेगा। एक और यूजर आप बना लेते हैं लेट से स्कॉट के नाम से या किसी भी नाम से, वो अपने टेबल्स क्रिएट कर सकता है डेटाबेस के अंदर, उसमें अपना डाटा पॉपुलेट कर सकता है। दोनों यूजर्स के टेबल्स एक दूसरे को विजिबल नहीं होंगे। ठीक है। एचआर यूजर लॉग इन होगा तो उसको अपने टेबल्स नजर आ रहे होंगे, स्कॉट लॉग इन होगा तो उसको अपने टेबल्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है। एक यूजर ने अगर अपने लिस्ट ऑफ टेबल्स देखने हो तो वो करेगा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब स्टेटमेंट देगा। ठीक है। तो मैं इस वक्त एचआर से लॉग इन मैं करूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब और सेमीकॉलन टर्मिनेशन करेक्टर है। ठीक है। यहाँ पे सेमीकॉलन आप लिखेंगे इसका मतलब आपकी स्टेटमेंट पूरी हो गई है और एसक्यूएल प्लस उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब आपने किया, एंटर किया, तो अब आपको वो लिस्ट ऑफ टेबल्स दिखा रहा है कि ये जो यूजर लॉगिन है एचआर, उसके पास कंट्रीज के नाम से एक टेबल है, डिपार्टमेंट्स के नाम से है, एम्प्लॉयज के नाम से है, एंड सो ऑन, ये बहुत सारे टेबल्स हैं उसके पास। क्लियर है। तो टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब करेंगे आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको नजर आ जाएंगे कि ये टेबल्स है, वो नए क्रिएट कर सकता है,
तो नेम क्रिएट करेगा, सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टैब करेगा तो नया भी नाम उसमें नजर आ रहा होगा, क्योंकि टेबल्स के नाम आपको, लेट्स से एक टेबल के पास एक यूजर के अंडर 20 टेबल्स क्रिएट हुए हैं, तो हर टेबल का नाम यूजर को याद नहीं रहता, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टेबल अगर आपने देखने हो तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टैब दिखाएंगे करेंगे तो उस यूजर ने जो जो टेबल्स क्रिएट किए हैं उनके नाम दिखा देगा, वो बाद में आगे चल रहे, ठीक है, वो आगे काफी आगे, फिलहाल आपको सारी लिस्ट ऑफ टेबल दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, देन आपने लेट्स से अब एम्प्लॉयज का टेबल है, अब टेबल किसको कहते हैं, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब इस टेबल का, हर टेबल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, टेबल का नाम, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के नाम होंगे। तो अगर आपने किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो डिस्क्राइब की कमांड है, डिस्क्राइब और आगे टेबल का नाम, जैसे मैंने कहा दिया डिस्क्राइब एम्प्लॉयज, तो मैं एम्प्लॉयज के टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाह रहा हूं। तो आपने याद रखना है कि डिस्क्राइब की कमांड क्या करती है, इट विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, उस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या हैं, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं। तो जैसे एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक कॉलम है, उसकी डाटा टाइप नंबर है, फर्स्ट नेम के नाम से एक कॉलम है, उसकी डाटा टाइप वाउचर 2 है, एंड सो ऑन, ये इतने इस टेबल के अंदर इतने कॉलम्स हैं। नहीं, केस सेंसिटिव नहीं, देखें एम्प्लॉयज का टेबल यहाँ पे आपको अपर केस में नजर आ रहा था, मैंने इसको डिस्क्राइब करते हुए लोअर केस में लिख दिया, टेबल्स के नाम कॉलम्स के नाम केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज, नहीं सेमी कॉलन इसमें मैंडेटरी है, इसमें ये जो कुछ कमांड है जो दो तरह की कमांड है, एक ये इस टूल की कमांड है जो जिस टूल के थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। हम जो ये जो टूल यूज कर रहे हैं ना, ये टूल एसक्यूएल प्लस कहलाता है, टूल कैसे कहते हैं वैसे, एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कोई काम कर सके, एसक्यूएल प्लस वो एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। इस टूल की अपनी कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, इस टूल की कुछ कमांड है, जैसे डिस्क्राइब की कमांड है जो इसकी एनवायरमेंट को सेट करती है, सेट की कमांड है, सेट लाइंस की कमांड है, सेट पेज साइज की कमांड है, एंड सो ऑन, ये सब इसकी अपनी कमांड है, उनको सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती टर्मिनेट करते वक्त। इस टूल में हम जो डेटाबेस कम्युनिकेट करने के लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं ना, वो लैंग्वेज एसक्यूएल कहलाती है। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इस टूल में जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होगी, अच्छा वो जो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होगी ना, दिस इज ANSI स्टैंडर्ड, ANSI स्टैंडर्ड है, ओके। तो SQL ANSI स्टैंडर्ड है, ANSI का क्या मतलब है, एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि क्या कहता है, स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, उन्होंने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए हुए हैं कि कोई भी वेंडर एक डेटाबेस बनाएगा, अगर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसमें ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो SQL जो है वो SQL चाहे Oracle में आप लिखें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर में लिखें, या DB2 में लिखें, या किसी भी और डेटाबेस में लिखें, वो एक ही तरीके से लिखी जाती है, स्टैंडर्ड है क्रॉस द। अब अगर लेट से अगर ये स्टैंडर्ड ना होता तो फिर इशू हो जाना था, लेट से अगर ओरेकल में आपको अलग से एसक्यूएल सीखनी पड़ती, माइक्रोसॉफ्ट की डेटाबेस में अलग से सीखनी पड़ती, IBM की डेटाबेस में अलग से सीखनी पड़ती, तो आप एक ही लैंग्वेज सीखते हैं उसकी वजह से आप सारी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो इस SQL प्लस के टूल में एक तो हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे वो SQL होगी, उसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, उसको टर्मिनेट करने के लिए आप सेमीकॉलन का करेक्टर यूज करेंगे, जबकि इस अपनी इस टूल की अपनी एनवायरमेंट की सेटिंग्स, इसकी पेज सेटिंग, इसकी लाइन सेटिंग, इसकी डिस्प्ले की सेटिंग होगी, वो उस टूल की अपनी कमांड्स होंगी वो, जो कि जिनको सेमीकॉलन से टर्मिनेट करना जरूरी नहीं होगा। तो दो तरह की कमांड्स होंगी SQL प्लस के अंदर, एक होंगी उस टूल की, उस SQL प्लस की अपनी कुछ कमांड्स, और एक कमांड जिसके थ्रू हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, उसकी जो अपनी कमांड देंगे उसका डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो डेटाबेस के पास वो कमांड्स नहीं जाएंगे, और जो हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज करेंगे वो डेटाबेस के पास जाएंगे, ठीक है जी। तो डिस्क्राइब से आपने देख लिया एक टेबल का स्ट्रक्चर,
आपकी जो क्यूरीज हैं, जो जो एसक्यूएल है, जो स्टैंडर्ड है, जो जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि आंसी स्टैंडर्ड है, वो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं। कुछ हैं जो कि सेलेक्ट के अंदर डाटा सिलेक्शन लैंग्वेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर किया गया हुआ, उसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट है। कुछ हैं डीएमएल में आपके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज की स्टेटमेंट्स हैं। देन आपके पास है डीडीएल, डीएमएल है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये आपकी डीडीएल। मॉडिफाई अपडेट में आता है ना, डीएमएल में आता है, ठीक है, अपडेट करते हैं ना मॉडिफाई, तो वो आपका डीएमएल के होता है, ठीक है। तो डीएमएल है, डीडीएल है और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, ग्रांट एंड रिवो। तो ये कैटेगरीज हैं इस पूरे कोर्स में ना, इस पूरे इस पहले बुक के अंदर हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, सेलेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड ग्रांट, और इस तरीके से ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। इससे हम पता चलेगा हम डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिलेक्शन, डेटा सेलेक्ट करने से स्टार्ट करेंगे। आगे चल के आपको पता चल जाएगा सिलेक्ट क्या करती है, डेटा शो करती है आपको। डीएमएल का मतलब डाटा मैनिपुलेट करती है, चेंज करती है। डीडीएल है डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर को चेंज करती है, टेबल के स्ट्रक्चर को। टेबल का स्ट्रक्चर का मुराद है कॉलम स्पेसिफाई करना, उसके कॉलम्स को चेंज करना, नए कॉलम्स ऐड करना, एंड सो ऑन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आज हम देखेंगे जी रिट्रीविंग डेटा यूजिंग द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ये तीन काम आप कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं और ज्वाइंस कर सकते हैं। प्रोजेक्शन से क्या मुराद है कि आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स देखना चाहें, आपकी एक टेबल के अंदर 100 कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स आपको नहीं चाहिए, आपको आउटपुट में से 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए, तो वो प्रोजेक्शन आप होगी। सिलेक्शन, आपको सारी रोज नहीं चाहिए, कुछ रोज चाहिए, तो वो सिलेक्शन कहलाएगी। ज्वाइंस, आपका डाटा यूजली एक ही टेबल में सारा डाटा नहीं पड़ा होता, वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर होता है, क्योंकि आप वो नॉर्मलाइज करके आप उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीपल टेबल्स के अंदर आप डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको मर्ज करके देखना चाहें, रिलेट करके देखना चाहें, तो वो ज्वाइंस कहलाते हैं। आगे चल के इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है जी, सेलेक्ट के बाद आप हिस्टेरिक लिख सकते हैं या कॉलम्स के नाम दे सकते हैं, फ्रॉम में आप टेबल का नाम देते हैं। तो सेलेक्ट आइडेंटिफाइज द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड एंड फ्रॉम आइडेंटिफाइज द टेबल कंटेनिंग दोस कॉलम्स। तो सेलेक्ट में आप बताते हैं कौन कौन से कॉलम्स आपको शो करे, वो फ्रॉम में वो कॉलम्स कहां से शो करे। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं जी सेलेक्ट, मुझे हर एम्प्लॉय की आईडी और उसका फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं कहूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये मुझे हर एम्प्लॉय की आईडी और उसका नाम दिखाएगा। तो मेरे पास इस टेबल के अंदर 107 एम्प्लॉयज का डाटा पड़ा हुआ है और उनके ये एम्प्लॉय आईडी और ये नाम दिखा रहा है। तो ये हेडिंग मुझे बार बार रिपीट करके दिखा रहा है, हर कुछ रोज के बाद ये हेडिंग रिपीट हो रही है। ये इस पर्टिकुलर टूल की सेटिंग है, इस तरीके से हुई है कि हेडिंग रिपीट हो रही है। आप टूल की सेटिंग चेंज कर दें तो हेडिंग एक ही दफा दिख जाएगा आपको, ठीक है। एल लिख के एंटर करेंगे तो लास्ट जो क्यूरी आपने एंटर की लिखी है वो आपको शो करा देगा। तो सिलेक्ट, उसके बाद आप कॉलम का नाम देते हैं, फिर कामा दे के कॉलम का नाम देते हैं, फिर कामा दे के तीसरे कॉलम, एंड सो ऑन। कामा सेपरेटेड कॉलम्स के नाम देंगे आप, फ्रॉम में टेबल का नाम आप देंगे, ठीक है। तो कॉलम के नाम एग्जैक्टली वही देने जो आपके टेबल के अंदर है। तो डिस्क्राइब करके आपको जो टेबल एक ही लाइन के अंदर हम लिख सकते हैं सिलेक्ट जी जी सारे सब कुछ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप ये भी मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि मैं करता जी कि मैं सिलेक्ट टेबल्स कॉलम्स के नाम फ्रॉम और आगे टेबल के नाम। स्टैरिक अगर लिखेंगे तो सारे कॉलम्स, ठीक है। अगर आप सारे कॉलम देखना चाहें तो स्टैरिक, अगर आप पर्टिकुलर कॉलम देखना चाहते हैं तो कॉलम्स के नाम देखिए, ठीक है। हाँ ये प्रोजेक्शन है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम में करता हूँ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स का एक टेबल है सेम कॉलम। तो ये उस टेबल के देखें, उस टेबल में है ही चार कॉलम्स, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। तो चार कॉलम्स, चारों कॉलम्स मुझे दिखा दो, ठीक है। तो स्टैरिक करेंगे तो स्टैरिक का मतलब सारे कॉलम्स उस टेबल के दिखा दो, और अगर आप पर्टिकुलर कॉलम्स देखना चाहते हैं तो उनके नाम देने पड़ेंगे, और नया नाम एग्जैक्टली
वही होने चाहिए जो टेबल के नाम के कॉलम कॉलम के नाम है, डिस्क्राइब करके आपने देखें केस सेंसिटिव नहीं है नाम, लेकिन वो कॉलम ये ना हो कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, वो फिर एरर देगा कि उसको इस नाम से कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। अच्छा सेलेक्ट और उसके बाद आप जो लेट्स से मैं करता हूँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम कमल लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये दो कॉलम्स हैं एक टेबल में फ्रॉम एम्प्लॉयज के टेबल में, ठीक है। और सेमी कॉलम देखिए मैंने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लिखा, उसने क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने सिंपली एंटर कर दिया, एंटर किया तो उसने मुझे उसने मतलब है मेरी क्यूरी अभी कंटिन्यू है, मैं सिंपली इसके बाद भी एंटर कर देता हूँ तो अभी भी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो मैं सेमी कॉलम जैसे लिख के एंटर करूंगा तो वो उसको पता चल जाएगा जी कि ये क्यूरी टर्मिनेट हो गई, क्यूरी एंड हो गई। तो आप एक बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो सेलेक्ट उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स और उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम दे देते हैं, तो उस टेबल में से वो कॉलम्स आपको लिस्ट डाउन कर देगा। तो सेलेक्ट और लिस्ट ऑफ कॉलम्स अगर आप दें तो ये क्लॉज कहलाती है, ठीक है। दिस इज वन क्लॉज, सेलेक्ट स्टैटिक करें या लिस्ट ऑफ कॉलम्स दें, दिस इज वन क्लॉज। उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम दें, जो भी आप जिस टेबल में से भी डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अनदर क्लॉज। तो मिनिमम आपकी एक जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें दो क्लॉजेज हो सकती हैं, मिनिमम दो क्लॉजेज होंगी, ठीक है। एक सेलेक्ट होगी और उसमें एक फ्रॉम के वो सेलेक्ट में कौन से कॉलम सेलेक्ट करें और फ्रॉम वो कहां से वो सेलेक्ट करके आपको दिखाए, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम दो होंगे, इससे ज्यादा डेफिनेटली आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे क्लॉजेज हम पढ़ने होंगे, ठीक है। तो यूजली क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि आप एक क्लॉज एक लाइन के ऊपर लिखते हैं, सेलेक्ट और लिस्ट ऑफ कॉलम एक लाइन पे लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फ्रॉम और टेबल का नाम दूसरी लाइन पे लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लॉजेस आप इस तरीके से, तो हर क्लॉज सेपरेट लाइन पे लिखें, रीडेबिलिटी होगी आपकी क्यूरी ज्यादा रीडेबल होगी, ठीक है। तो जहां पे आपकी क्यूरी कंप्लीट हो जाएगी वहां पे आप सेमीकॉलन इज द टर्मिनेशन करेक्टर, तो वहां पे आप सेमीकॉलन लिखेंगे वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे अगर हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट करें सिंपली, तो मैंने लिखा जी सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नाम से कॉलम है वो मुझे शो कराएगा। अब ये क्यूरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैं सिंपली यहाँ पे सेमी कॉलम पुट कर दूंगा और एंटर करूंगा तो ये मुझे डाटा शो करा देगा, ठीक है जी। तो सेलेक्ट स्टेरिक अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब है उस टेबल के सारे कॉलम्स दिखा देंगे, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम और आगे टेबल का नाम और सेमी कॉलम, तो उस टेबल के सारे कॉलम्स आपको दिखा देंगे। पर्टिकुलर कॉलम्स देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट उसमें कॉलम का नाम, कॉमा देके दूसरे कॉलम का नाम, कॉमा देके तीसरे कॉलम का नाम, एंड सो ऑन फ्रॉम और आगे टेबल का नाम, तो वो पर्टिकुलर कॉलम्स आपको सिर्फ दिखा देगा, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, कि आप पर्टिकुलर कॉलम्स देख रहे हैं वो प्रोजेक्शन कहलाती है। नहीं रोज तो हो रही है, लेकिन सारी रोज हो रही है ना, रोज एक तो नहीं हो रही, सारी रोज हो रही है। हाँ वो सिलेक्शन कहलाएगी अगर आप वेयर क्लॉज लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा ये जी गाइडलाइंस हैं कुछ, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर नॉट केस सेंसिटिव, अपर केस में लिखें लोअर केस में लिखें इट डजंट मैटर, लेकिन परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, तो इसलिए एक जो है कन्वेंशन बना लेनी चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए सबको। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एंटर्ड ऑन वन और मोर लाइंस, पूरी स्टेटमेंट एक लाइन पे भी हो सकती है, मल्टीपल लाइंस पे भी हो सकती है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी एब्रिवेटेड और स्प्लिट अक्रॉस लाइंस, मीन्स कि आप ये सिलेक्ट SCL नहीं ले सकते या उसको मल्टीपल लाइंस पे नहीं ले सकते, ठीक है। क्लॉजेस आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन सेपरेट लाइंस, जैसे मैंने भी आपको बताया सेलेक्ट उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम एक लाइन पे लिखेंगे, फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नाम एक लाइन पे लिखेंगे, एंड सो ऑन। इंडेंट्स आर यूज्ड टू एनहांस रीडेबिलिटी, इंडेंट्स का मतलब है पहली लाइन आप एज इट इज लिखेंगे, दूसरी लाइन पे थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर आगे लिखेंगे थर्ड लाइन एंड, ताकि वो रीडेबल हो जाता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये सारे फॉलो करें। इन SQL डेवलपर SQL स्टेटमेंट्स कैन ऑप्शनली बी टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकॉलन, and semicolons are required when you execute multiple SQL statements, and in SQL plus you are required to end each SQL statement with a semicolon. तो दो टूल्स हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, Oracle के दो टूल्स हैं, थर्ड पार्टी तो बहुत सारे हैं, एक SQL plus है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, एक SQL developer है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। SQL developer graphical टूल है, SQL plus जो है वो कमांड लाइन टूल है, तो अभी हम ये जो टूल यूज कर रहे हैं दिस इज SQL plus टूल, ये हमने कमांड लाइन पे इसको इन्वोक किया हुआ, तो ये SQL plus Oracle का टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं, वो आपको रिजल्ट देता है। इसी तरीके से एक ग्राफिकल टूल भी है
जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट होके यही सारा काम करेंगे, लेकिन वो माउस की बेस पे सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉलम हेडिंग्स। एसक्यूएल डेवलपर में कॉलम की हेडिंग जो है लेफ्ट अलाइंड होती है और बाय डिफॉल्ट हेडिंग अपर केस में नजर आ रही होती है, और एसक्यूएल प्लस में करेक्टर एंड डेट कॉलम हेडिंग्स आर लेफ्ट अलाइंड, नंबर कॉलम की हेडिंग राइट अलाइंड होती है और डिफॉल्ट हेडिंग डिस्प्ले अपर केस होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट नेम अपर केस में दिखा रहा है, लास्ट नेम अपर केस में दिखा रहा है। अगर आप एल लिख के एंटर करें ना तो आपको लास्ट क्यूरी आपको दिखा देगा, प्रिंट करके दिखाएगा। तो मैंने देखें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लोअर केस में लिखा था, लेकिन उसने कॉलम की जो हेडिंग मुझे दिखाई है वो अपर केस में दिखाई है। जो करेक्टर कॉलम है उसकी हेडिंग राइट अलाइन होती है, जो नंबर कॉलम है उसकी हेडिंग लेफ्ट अलाइन होती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, नल क्या होता है, व्हाट इज अ नल? नल मीन नथिंग। लेट्स से एक टेबल है, उसमें इम्प्लॉयज का टेबल है, हर इम्प्लॉय की एक आईडी है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, लेकिन जरूरी है हर इम्प्लॉय का फोन नंबर हो। ठीक है, लेट्स से एक इम्प्लॉय जिसके पास फोन नंबर नहीं है, ना मोबाइल है ना फोन नंबर है, उसके फोन नंबर के कॉलम में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो एक ऐसा कॉलम जिसमें वैल्यू अवेलेबल ही ना हो वो नल कहलाता है। ठीक है, नल मीन्स नथिंग, अनअवेलेबल, अनअसाइंड। ठीक है, हाँ, एम्प्टी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं जिनके थ्रू किया जा सकता है। जैसे अगर मैं सीएल स्पेस एससीआर करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी एसक्यूएल प्लस की स्क्रीन क्लियर होगी। ठीक है, ऐसे में अगर डिस्क्राइब को डीईएससी भी लिख सकते हैं आप, डिस्क्राइब और आगे टेबल का नाम दे दें तो उस टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखा देगा। तो ये एम्प्लॉयज का एक टेबल है, उसका ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है कि उसमें कितने कॉलम है। लेट्स से मैं करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा, एक कॉलम है सैलरी के नाम से, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, हर एम्प्लॉय का मुझे फर्स्ट नेम एंड सैलरी दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एम्प्लॉय की एनुअल, ये मंथली सैलरी है, हर एम्प्लॉय की मुझे एनुअल सैलरी नजर आए। मैं क्या करूंगा, सैलरी और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, तो ये मुझे मल्टीप्लाई, ये टेबल में से एक्चुअली उसने टेबल में जाके कॉलम नहीं ऐड कर दिया, ऑन द फ्लाई उसने मुझे मेमोरी में ये रिजल्ट क्रिएट किया, सैलरी को मल्टीप्लाई किया मेरे प्रोवाइडेड वैल्यू के साथ और मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दिया। अब देखिए उसने कॉलम की हेडिंग क्या दे दी है, जो मैंने एक्सप्रेशन परफॉर्म किया था, जो एक्सप्रेशन आपने परफॉर्म किया वही कॉलम की हेडिंग। तो आप कॉलम्स की हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो लेट से मैं क्या चाहता हूँ जी, सैलरी इनटू 12 को एनुअल सैलरी के तौर पर शो करें। अब जो कॉलम की हेडिंग नजर आ रही है वो मैंने जो दिया वो नजर आ रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कि आपने कॉलम को एलियस दे दिया। तो एलियस कैसे देते हैं, कॉलम का नाम, उसके बाद एस का कीवर्ड, और फिर आप डबल कोट्स में एलियस देते हैं, डबल कोट्स में नाम भी दें तब भी ठीक है। अगर आपके एलियस में स्पेस आ रही है तो फिर डबल कोट्स में देंगे, और अगर एलियस में स्पेस नहीं आ रही तो फिर बगैर डबल कोट्स के भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर फर्स्ट नेम को, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम मुझे की जो हेडिंग नजर आए वो एज अ नेम नजर आए, तो मैं फर्स्ट नेम के पास स्पेस देके इसकी हेडिंग दे चेंज कर दूंगा, सैलरी मुझे एज अ सेल नजर आए, सेल दे दूंगा फ्रॉम एम्प्लॉयज। आप देखें उसने हेडिंग चेंज कर दिया मुझे, ये दिस इज कॉल्ड कि आपने एलियस दे दिया। तो एलियस कैसे देते हैं, टेबल का नाम, कॉलम का नाम देने के बाद स्पेस देते हैं, और ऑप्शनल है कि आप एज कीवर्ड दें उसके बाद एलियस दे देते हैं। जैसे यहां पर मैंने एज का कीवर्ड नहीं दिया, इसमें भी मैंने एज का कीवर्ड नहीं दिया, यहां पर मैंने एज का कीवर्ड दे दिया, तो आप एज का कीवर्ड दें या ना दें दिस इज ऑप्शनल। एलियस डबल कोर्ट्स में होगा अगर वो उसमें स्पेस है या वो केस सेंसिटिव है, अदरवाइज आप बगैर कोर्ट्स के भी दे सकते हैं। अगर बगैर कोर्ट्स के देंगे तो एलियस हमेशा अपर केस में आपको नजर आएगा। ठीक है जी, अच्छा रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस क्या होंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के केस में। एक लेट से उसमें स्टेटमेंट में डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है, और एडिशन भी हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगी, पहले वो सबसे आखिर में बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, देखें एक मिनट से, क्योंकि ये जो ना वो आपका इम्पैक्ट करेगा रिजल्ट को, रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, लेट्स से एक मैं आपको इक्वेशन देता हूं, अगर
फाइव डिवाइडेड बाई टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस फोर माइनस थ्री, ये सैंपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड होगा या क्या होगा? अच्छा लेट्स मैं इसको इस तरीके से देख लूं, तब क्या होगा? सेम डिवाइड नहीं, रूल ये है कि आपके जो डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है उनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है, ये याद रखना हमें। इसी तरीके से एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, उनकी प्रेसिडेंस इक्वल होती है, हाँ एक वैसे इक्वल होती है, ठीक है। तो अब अगर एक स्टेटमेंट में आ जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे, ये याद रखना है। लेफ्ट राइट पे जो पहले आएगा वो पहले इवेल्युएट होगा, ये नहीं होगा कि इस दोनों में से अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो दोनों में से किसी की प्रेसिडेंस ज्यादा नहीं है एक दूसरे पे, लेकिन लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब है लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर ये एडिशन होगी, फिर सब्सट्रैक्शन होगी। तो इन दोनों के प्रेसिडेंस इक्वल है, इन दोनों के प्रेसिडेंस इक्वल है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होते हैं अगर एक स्टेटमेंट में आ जाए। और अगर आप प्रेसिडेंस चेंज करना चाहें तो फिर आप पैरेंथेसिस यूज करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूं पहले डिवीजन हो तो मैं यहां पे पैरेंथेसिस लगा दूं, जब आपने पैरेंथेसिस लगा दी तो वो पहले सबसे पहले वही होगा, ठीक है, आपने इन्फोर्स कर दिया, ठीक है, ओके। जैसे यहां पे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे एम्प्लॉय का नाम, उसकी एक्चुअल सैलरी और उसकी सैलरी में 300 रुपीज एड करने के बाद उसकी एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। रिक्वायरमेंट समझिएगा, ठीक है, मुझे उसकी एनुअल सैलरी चाहिए लेकिन एक्चुअल सैलरी में पहले 300 ऐड करूं और फिर मैं उसकी एनुअल सैलरी फाइंड करना चाहता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये रिजल्ट सही आएगा, हाँ ठीक है, पहले मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगानी पड़ेंगी ताकि जो मैं चाहता हूँ उस तरीके से रिजल्ट आए। अब देखें रिजल्ट डिफरेंट आया, पहले यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू थी, ठीक है, पहले ये 6600 आ रहा था, अब ये आ रहा है 39600, ठीक है, तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। तो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस हैं वो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं। तो आप किसी भी कॉलम नंबर कॉलम के साथ कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर 100 ऐड कर रहा है, एक्चुअली पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा जी कि वो चाहता जी कि सैलरी में 100 ऐड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर वो पैरेंथेसिस इन्फोर्स करेगा। नल वैल्यू क्या है, नल इज अ वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल अनअसाइंड अननोन और इनएप्लीकेबल, नल इज नॉट द सेम एज जीरो और अ ब्लैंक, ठीक है। तो जैसे कमीशन यूजली वो एम्प्लॉयज लेते हैं जो कि सेल्स सेल्समैन हो, जिनका काम सेल से हो, तो बाकी जो आईटी से हो एचआर में हो उनको कमीशन नहीं मिलता, ऐसे ही होता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है। तो जैसे इसी इस टेबल में हमारे पास जो सैंपल टेबल्स हैं उसमें सैंपल डाटा पड़ा हुआ है उसमें भी यही है, डिस्क्राइब करता हूं मैं। तो हर एम्प्लॉय का ले लेता हूं सिलेक्ट, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा सैलरी कमा कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी के नाम से एक कॉलम है। कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनको कमीशन मिल रहा है परसेंटेज में और कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं कमीशन के कारण के अंदर, तो इसका मतलब है कमीशन उनका नल है। नल जो है वो ओरेकल के अंदर जो नल वैल्यूज हैं वो अगर अरिथमेटिक परफॉर्म करें उसके साथ कोई भी या उसके साथ कोई भी काम करें वो रिजल्ट को नल कर देती है, ठीक है। लेट्स से मैं अगर ये करूं सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कमा सैलरी सैलरी मल्टीप्लाई बाय कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमीशन परसेंटेज, कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी मतलब कमीशन परसेंटेज, एक्चुअल कमीशन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो सैलरी को कमीशन पीसीटी से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे एक्चुअल कमीशन नजर आ जाएगा और मैं चाहता हूं फिर वो उसमें टोटल सैलरी में वो कमीशन एड होके वो मुझे फिर नजर आए। तो
ऐसे एम्प्लॉय जो कि कमीशन ले रहे हैं उनका तो टोटल सैलरी आ रही है, यानी कि उनकी सैलरी में उनका कमीशन ऐड हो गया आ रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज कोई कमीशन नहीं ले रहे उनकी टोटल सैलरी भी नल आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। उनकी टोटल सैलरी आनी चाहिए, उनका कमीशन अगर कुछ भी नहीं है तो उनकी सिंपली टोटल सैलरी आ जानी चाहिए। तो आप अगर कोई भी अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे और अगर नल आ जाएगा उसमें तो वो रिजल्ट को नल कर देगा, ये याद रखना आपने। अगर नल वैल्यूज होंगे तो रिजल्ट को नल कर देंगे, उसके लिए फिर आपको फंक्शन यूज करने पड़ेंगे ताकि उसके फॉर द टाइम बीइंग उसमें कोई वैल्यू पुट कर दी जाए और अरिथमेटिक परफॉर्म किया जाए ताकि रिजल्ट हमारे पास चले। वो आगे चल के हम देखते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग नल वैल्यूज इवेल्युएट टू नल। कॉलम एलियसिस हम देख चुके हैं। कॉलम एलियसिस रीनेम्स अ कॉलम हेडिंग इज यूजफुल विद कैलकुलेशंस, इमीडिएटली फॉलो द कॉलम नेम, देयर कैन आल्सो बी द ऑप्शनल एज कीवर्ड बिटवीन द कॉलम नेम एंड द एलियस, रिक्वायर्स डबल कोटेशन मार्क्स इफ इट इज इट कंटेन स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर और इफ इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लास्ट नेम को एज नेम कर रहा है, कमीशन पीसीटी को कमीशन कर रहा है, लास्ट सेंटेंस को नेम को डबल कोट में उसने नेम दिया। ये डबल कोट में देने से क्या फायदा होगा इसे? हाँ, ये इसी एज इट इज शो होगा, ठीक है, एन कैपिटल में होगा, बाकी सारा सामान होगा। सेलिन टू ट्वेल्व को उसने डबल कोट्स में दिया क्योंकि इसमें स्पेस आ रही है। देन है जी कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर दो पाइप साइंस को कहते हैं। मैं कहता हूं सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये जो आपको डाटा उसने दिखाया है ये दो अलग कॉलम्स में दिखा रहा है, ये डाटा अलग कॉलम में दिखाया उसने फर्स्ट नेम का, ये डाटा आपको अलग कॉलम में उसने दिखाया। आप दोनों को मर्ज करके एक ही कॉलम में देखना चाहते हैं तो फिर आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कॉमा की जगह आप दो पाइप साइन दे देंगे, दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन ऑपरेटर फ्रॉम और टेबल का नाम दे देंगे। तो अब आपको देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मर्ज करके दिखा रहा है लेकिन उसमें स्पेस नहीं दे रहा। अगर आपने स्पेस आपको देनी है तो आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बाद सिंगल कोट्स में एक स्पेस दे दें और फिर दोबारा कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज कर लें और फ्रॉम में टेबल का नाम। आप देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में स्पेस आ रही है, इसको कोई एलियस भी बेशक दे दें आप। ठीक है, तो नेम के नाम से कॉलम है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्लॉयज का आपको एक ही कॉलम में नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन ऑपरेटर। जितने मर्जी कॉलम्स आप कंकैट कर लें। से मैं करता हूं जी सिलेक्ट ठीक है, मुझे हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी कंकैट करके दिखा रहे ओके। से मैं ये करता हूं, मैं चाहता हूं लिखा हुआ है हर एम्प्लॉय का नाम और इज वर्किंग एज और आगे उसकी जॉब लिखी है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो मैं ले लेता हूं जी सिलेक्ट हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखा हुआ है जी इज वर्किंग एज और आगे उसके बाद उसकी जॉब अंडरस्कोर आईडी के नाम से कॉलम है जिसमें जॉब आईडी है उसकी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट लिखा हुआ और है विलियम इज वर्किंग एज सेल्स अंडरस्कोर है, जो मैनुअली इज वर्किंग एज एफ आई अंडरस्कोर फाउंड, जेनिफर इज वर्किंग, ये सिंगल कोर्ट में लिखेंगे आप, डबल कोर्ट में एलियस दिया जाता है, ठीक है, ये सिंगल कोर्ट में लिखेंगे। तो ये आप अपनी तरफ से अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम आप टेबल में से उठा रहे हैं, उसके साथ आप अपेंड कर रहे हैं जी इज वर्किंग एज और जॉब अंडरस्कोर आईडी भी आप टेबल में से उठा रहे हैं। वो चीज आप अपनी तरफ से जो अपेंड करें एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर वो लिटरल कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अ लिटरल वैल्यू। तो लिटरल वैल्यू जी अ लिटरल इज अ करेक्टर, एक करेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये डेट हो सकती है, दैट इज इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट। वो टेबल में से नहीं आ रहा होता डाटा, वो आप अपनी तरफ से इंक्लूड करते हैं। डेट एंड करेक्टर लिटरल वैल्यू मस्ट बी क्लोज विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। अगर आप डेट या करेक्टर लिटरल वैल्यूज आप अपनी तरफ से इंक्लूड करें वो सिंगल कोट में देंगे। ईच करेक्टर स्ट्रिंग इज आउटपुट वंस फॉर ईच रो, वो हर रो के अगेंस्ट आपको उस तरीके से आउटपुट करके दिखाई। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जहां पे आप आपने फॉरन से स्क्रिप्ट्स बनाने हो, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि आपने काफी अगर एक काम करने बैठे तो हो सकता है आपको 10 घंटे लगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंकैटिनेशन ऑपरेटर को लिटरल वैल्यूज को यूज करते हुए करें तो हो सकता है वो विद इन अ मिनट वो काम हो जाए, वो स्क्रिप्ट बना के आपको फॉरन से दे दें, वो काम वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करें, वो डिजायर्ड आपके रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए।
तो ये स्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है वहां। आगे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा, यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे चलेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, ठीक है जी। कल आपकी क्लास होगी और ये चैप्टर भी, और अगला चैप्टर भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और फिर देखते हैं इसको। तो आपने प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट क्लास।